फेज सिक्स में पश्चिम बंगाल की केवल 7 सीटें पोल्स में जा रही हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के 7 नहीं 8 कैंडिडेट्स मैदान में होंगे। ऐसा कैसे? आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में 2 नहीं 3 पार्टीज हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अब जाहिर सी बात है, इस बात में तो काफी हैरानी होगी कि तृणमूल कांग्रेस और उत्तर प्रदेश में। देखिए, ईस्टर्न यूपी की भदोही सीट को इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी ने कोलिशन धर्मा निभाते हुए तृणमूल कांग्रेस को दिया है। अब ऐसा कैसे हुआ? इस सीट से, आप पार्टी पे मत जाइए, कैंडिडेट को देखिए, इस सीट से ललितेश पति त्रिपाठी जी तृणमूल कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे। वो उत्तर प्रदेश में एक जाने माने नेता हैं और कांग्रेस के पूर्व नेता, पूर्व बड़े नेता कमलापति त्रिपाठी जी के परिवार से आते हैं। 2012 में इनफैक्ट वो कांग्रेस की टिकट से विधायक भी चुने गए थे, पर 2021 तक आते आते उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों के बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। आज वह तृणमूल कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक की तरफ से भदोही सीट पे भाजपा का सामना कर रहे हैं और भाजपा की तरफ से उनको चुनौती देंगे विनोद कुमार बिंद जी। अब भदोही सीट के बारे में ये जानना जरूरी है कि 2009 में पहली बार यहाँ चुनाव हुआ था, ये सीट तभी बनी थी, तब बसपा ने ये सीट जीती थी। 14 और 19 दोनों चुनावों में भाजपा ने ये सीट जीती। हालांकि 19 तक आते आते भाजपा का जीत का मार्जिन काफी घट गया। जो मार्जिन 2014 में 1.5 लाख से ऊपर का था, 2019 में सपा बसपा के गठबंधन के कारण ये मार्जिन 44,000 के आसपास तक आकर रुक गया। भदोही की आज की पॉलिटिकल स्थिति बहुत इंटरेस्टिंग है। 5 असेंबली सेगमेंट है, इसमें से 3 समाजवादी पार्टी के पास है, 1 भाजपा और 1 भाजपा की अलायंस पार्टनर निषाद पार्टी के पास है। तो अगर देखा जाए तो भदोही लोकसभा सीट में अगर हम असेंबली वाइज जाएं तो इंडिया ब्लॉक को एक एज दिखता है। अब भदोही सीट में डेमोग्राफिकली 3 ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें हैं बिंद, ब्राह्मण, मुस्लिम और कुछ हद तक यादव भी। शायद इसी वजह से जहां भाजपा ने एक बिंद समुदाय कैंडिडेट को उतारा है भदोही में, वहीं तृणमूल कांग्रेस या इंडिया ब्लॉक ने एक ब्राह्मण कैंडिडेट को उतारा है उनके सामने। एक और डेवलपमेंट जो इस सीट पर हुई है वो ये है कि भाजपा के 2019 में जो कैंडिडेट जीते थे रमेश बिंद, उन्होंने हाल ही में सपा को ज्वाइन किया है और वो मिर्जापुर से सपा के कैंडिडेट भी हैं। तो ऐसे में परिस्थितियां भाजपा के लिए इतनी आसान भदोही में नहीं होंगी। कॉन्टेस्ट अच्छा होगा, लेकिन एक एक्स फैक्टर है जिसकी वजह से इंडिया ब्लॉक को परेशानियां आ सकती हैं। वो ये है कि क्या वोटर्स उत्तर प्रदेश में, भदोही के वोटर्स तृणमूल कांग्रेस के सिंबल को पहचान पाएंगे या नहीं। ये सुनने में छोटा लगता है कि ये बड़ा मामला हो सकता है। तो भदोही के कॉन्टेस्ट पर हमारी नज़र रहेगी और ये जो सिंबल का एक्स फैक्टर है ये कितना काम करता है, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल ये थी आज की बैलेट की बात। जाने से पहले कल के पॉलिटिकल टेस्ट का जवाब और आज का सवाल। कल आपसे मैंने एक मजेदार सवाल पूछा था कि हरियाणा के एक विधायक हुआ करते थे गयालाल जी, उनका नाम एक फ्रेज से जुड़ गया, वो फ्रेज क्या है? तो काफी लोगों ने जवाब दिया और जवाब सही है, आया राम गया राम। आज का सवाल ये है कि इस लोकसभा चुनाव में एक ऐसे प्रत्याशी हैं जिन्होंने एक समय पर एक ऐसा केस लड़ा था जिसका संबंध भारतीय नागरिकों का भारतीय ध्वज, जो कि हमारा तिरंगा है, उसको फहराने के संबंध में था। वो कौन से प्रत्याशी हैं? जवाब जरूर दीजिएगा। मैं फिर आऊंगा एक नई बात, एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।